करो, साफ करो, उसके बाद अपना कमरा भी साफ कर देना। जी हाँ। और मेरे आने तक ये सारी सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। जरा भी मुझे काम चोरी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं साजू आंटी, हम सब कर लेंगे। जमाल भाई से बात की? उनसे क्या बात करनी? उनके घर में जाके रहना चाहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा, याद रखो, जो चाहे अपने बलबूते पे करो, वरना मत करो मेरी बला से। हिबा के रूम का एसी इतनी कूलिंग कर रहा था, मुझे वहाँ सर्दी लगने लगी थी। तुम करने क्या गई थी वहाँ? हिबा से फ्रेंडशिप करने। तो बन गई वो तुम्हारी फ्रेंड? हम जैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स उनके पास नहीं होते, उनके पास अच्छा घर नहीं होता, उनसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता। अमी, मतलब ये के कागजात मेरे हवाले करो, नहीं तो इसकी लाश पड़ी होगी यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। जब तुम दोनों को मैंने मना किया था कि हिबा के कमरे में कोई नहीं जाएगा, तो फिर तुम लोग कैसे जाके सोए उसके कमरे में? साजिद आंटी, उस छोटे से रूम में बहुत गर्मी थी और वहाँ मच्छर भी थे, हमें वहाँ नींद नहीं आ रही थी। आपने कहा था कि आप एसी लगवा देंगी, लेकिन आपने वो भी नहीं लगवाया। बहुत गवर्नर की औलाद हो ना तुम लोग तो, जैसे अपने घर में एसी में सोया करते थे। दो चार दिन में एसी लग जाएगा, तब तक तुम लोग गेस्ट रूम में रह लो। जी। क्या मसला है? कुछ नहीं, मैं इनसे ये कह रही थी कि जब तक इनके रूम में एसी नहीं लग जाता, ये लोग गेस्ट रूम में रह लें। हाँ ठीक है, लग जाएगा। साहिदा में हॉस्पिटल पहुँचना है, वहाँ पे जफर भाई और उनकी मिसेज को डिस्चार्ज करवाना है, जल्दी करो। हाँ आप चले, मैं आती हूँ। मुझे वेट नहीं करवाना। ठीक है। और अब दोनों ने कोई ऊटपटांग हरकत नहीं करनी है, ठीक है? शाबाश, आ जाओ। आ रही हूँ, जाओ अपने रूम में जाओ। ईशा, हमें नानू के घर का रास्ता भी नहीं पता, और जहाँ पे उन्होंने अपना नया घर लिया है वो जगह तो बहुत दूर है। और हमारे पास उनका नया फ़ोन नंबर भी नहीं है ताकि हम उनको कॉल कर सकें और वो आके हमें यहाँ से ले जा सके। अब तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, हूँ करी जा रही हो? तुम्हें इतना शौक था ना तैयबा के घर रहने का, मुझे भी साथ घसीट कर ले आई। मैंने तुमसे मिन्नत ही नहीं करी थी ना कि तुम मेरे साथ। इनकी मुलाजमत देखो इतनी बुरी है, कुछ खाने को ही नहीं देती सही से, खाली एक स्लाइस और एक चाय का कप। अब पता नहीं साजिद आंटी कब आएंगी, और तैयबा तो हमें पूछते ही नहीं है। अगर मेरे पास पापा का फ़ोन नंबर होता ना तो मैं उन्हें अभी कॉल करता और कहता कि हमें वो यहाँ से ले जाए। कामी तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो ईशा? कामी तुम यहीं रुको और खबरदार जो मेरे पीछे आए।
आओ मेरे पास। नानू आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप फैक्ट्री भी नहीं गई। अरे बेटा मैं ठीक हूँ, वो रात मुझे गर्मी लग रही थी ना, बहुत पसीना आ रहा था, तो पंखा चलाकर मैं उसके नीचे बैठ गई। मुझे लगता है कि सीने में हवा लग गई है इसलिए दर्द हो रहा है। नानू अभी चले मेरे साथ डॉक्टर के पास, वो कोई ना कोई मेडिसिन दे देगा। अरे नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, जाओ मुझे एक गिलास पानी पिला दो। जी ना। नानू आप ठीक नहीं है, आपका चेहरा पेल हो रहा है और आपको पेन भी हो रहा है, आप मेरे साथ चले, रात को कोई मसला भी हो सकता है। अरे मेरा बच्चा मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने तुम दोनों को पालने बल्कि तुम चारों को पालने के लिए अपने रब से मोहलत मांगी है, और मुझे यकीन है कि वो मेरा मान रखेगा। खुदा का शुक्र है कि भाईजान और भाभी साथ खैरियत से अपने घर चले गए, वरना तो हमारी जिंदगी सिर्फ हॉस्पिटल और घर तक ही रह गई थी, अजाब हो गई थी। हाँ बस ऐसा ही था। अच्छा ये बताओ कि ईशा और कामी का दिल तो लग गया है ना? हाँ वो दोनों तो सेटल हो गए हैं, लेकिन आप हिबा की नेचर तो जानते हैं, वो इतनी जल्दी एडजस्ट कहाँ करती है अपने आप को, उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा पर हो जाएगी। जाहिरी सी बात है वो शुरू से अकेली रही है, अब दो चार दिन तो लगेंगे ना मानूस होने के लिए। वैसे ये एक बात अच्छी है कि उसे खेलने के लिए दो साथी और मिल गए। हाँ मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि हिबा इन दोनों के साथ जल्द से जल्द मिक्सअप हो जाए, वरना वो दोनों बेचारे भी सेटल नहीं हो पाएंगे। साजिदा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो इनको ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ ना आने देना। आमना ने मरते दम तक इनकी हर आसाइश को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आप फिक्र मत कीजिए जमा, मैं खुद एक माँ हूँ इसलिए उन दोनों की फीलिंग समझती हूँ, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, इंशाल्लाह वो दोनों हमारे घर में बहुत खुश रहेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अभी यही चाहता हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरे पास इतना वक्त अब नहीं है कि मैं उनको टाइम दे सकूँ, पहले ऑफिस का इतना खर्च हो चुका है। मैंने कहा ना आपको भी टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूँगी। अरे हाँ सच मैं ऑफिस के काम से मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, तो बच्चों का ख्याल रखना अच्छे से। आप आराम से जाइए अपना काम कीजिए, यहाँ मैं हूँ सबको संभालने के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। तनवीर कहाँ गायब था तुम? कब से फोन भी नहीं उठा रहे हो? मॉल गया था यार शॉपिंग के लिए, वहाँ सिग्नल नहीं आते। तुम बोलो कोई काम था क्या, क्यों फोन कर रहे थे? इसका मतलब है तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता? क्या नहीं पता मुझे? भाई तुम्हारे फ्लैट में आग लग गई, पूरा मोहल्ला वहाँ जमा है, शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो भाई? सच कह रहा हूँ भाई, पता नहीं तुम्हारी बीवी बच्चे भी निकल सके या अंदर ही है। अरे मेरा सारा माल, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी, मेरा सारा माल। अजीब आदमी है, बीवी बच्चों की फिक्र जमा पूंजी की बढ़ गई। छोड़ दो मुझे, मेरा घर जल रहा है, जाने दो मुझे। यार तनवीर क्या हो गया तुम्हें,
सब कुछ तो तू अपनी आंखों से देख के आया है। सब राख का ढेर बन गया है, कुछ नहीं बचा वहां मेरे दोस्त, कुछ नहीं बचा। अरे मैं खुद जाके देखना चाहता हूँ यार अपने घर के अंदर, मेरे बीवी बच्चे तारा सामान है अंदर, भाई हटो मुझे जाने दो, मैं अपनी आंखों से अपने बीवी बच्चों को देखना चाहता हूँ। क्या हुआ, सबके मसला है क्या? किस्मत का मारा है बेचारा, सामने इसका घर है जल के खाक हो गया, ये तो दीवानों की तरह आग में कूद रहा था, बड़ी मुश्किल से खींच तान के लेकर आए इसे। क्या बच्चे भी थे क्या अंदर, सब जल के मर गया क्या? खबरदार जो बकवास की तूने, तो कुछ नहीं हुआ मेरे बीवी बच्चों का कुछ। क्या बोलोगे बेचारा, अल्लाह सबको आजमाइश से बचाए। वीर 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 वीर, ये क्या बात की है तुमने? तो फिर क्या कहूँ मैं, हालांकि अगर ज़ैनब खाला चाहती तो मैं या मुझे अपने साथ ले जाती, या फिर ताया अब्बा भी उन दोनों के साथ हमें भी अपने साथ रख सकते थे, लेकिन हम हैं कैसे, बुरी किस्मत, बैड लक। जब तक तुम दोनों में से मुझे ये कोई नहीं बताएगा कि हिबा के कमरे में बिल्ली किसने फेंकी, तब तक तुम दोनों इसी कमरे में बंद रहोगे, भूखे प्यासे मरोगे, समझे? और अगर किसी ने भी एक आवाज निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूठी रूठी।